हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम 3 इंग्रेडिएंट के साथ। इसके लिए हमें चाहिए 2 मैंगो, राइप मैंगो होने चाहिए ये, और एक हमने लिए है अमूल क्रीम, और एक हमें चाहिए 10 कंडेंस मिल्क का। तो ये हम होममेड बना रहे हैं, जो बहुत ही इजी बन जाएगी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। इसके लिए क्रीम पहले ले ली है हमने, और ये 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये हम घर पर भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम ले लेंगे। इसके अंदर हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं और ना ही कोई केमिकल है। ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। एक जार लेंगे, इसके अंदर हम अपने मैंगो को इस तरह से काट के इसके प्यूरी बना लेंगे। तो अब जो कंडेंस मिल्क और हमने क्रीम ली है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में भी इसको पीस सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से कर लेंगे। इससे क्या होगा, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और फ्लफ़ी भी हो जाएगा। अब हमने जो मैंगो की प्यूरी बनाई है उसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बार ब्लेंडर को चला लेंगे। इसको आप मिक्सी में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितनी फ्लफ़ी हो गई है। ये सारा हमारा आइसक्रीम का जो बेस है पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बगैर एसेंस के बनाएंगे आइसक्रीम। और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम इसको डाल देंगे सारे मिक्सचर को, और ढक्कन लगाकर 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। थोड़े से मैंने मैंगो को चॉप भी किया है। इसके पीसेस हम आइसक्रीम में बीच में डालेंगे तो जो उसके चंक्स का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा आइसक्रीम के बीच में। तो पहले अभी हमें क्या करना है, ये जो आइसक्रीम है थोड़ी हाफ डन हुई है, हाफ सेट हुई है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप इसको मिक्सी में एक बार फिर से चर्न कर सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर हो जाएगा इसका। तो अभी मैंगो चंक्स को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और पूरी आइसक्रीम में सब कुछ मिक्स करके इसको फिर से हम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देंगे। अगर आइसक्रीम की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये हमारी क्रीमी आइसक्रीम रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंगो चंक्स भी हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है और बिना किसी केमिकल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।